इससे पहले हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे बात किया है, उस समय हमने देखा था कि ये काम कैसे करता है। तो ये इंटरफेरेंस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस। कुछ पाथ डिफरेंस होता है कोहरेंट सोर्सेज का, दो सोर्सेज का कुछ पाथ डिफरेंस होता है लाइट सोर्सेज का, उसके कारण यहाँ पर बनता है, स्क्रीन में बनता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और हम मिरर को मूव करते हैं, यहाँ दो मिरर्स होते हैं M1 और M2, किसी एक मिरर को मूव करते हैं और उस मूवमेंट के कारण एक तरफ का जो लाइट वेव है उसे कम पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, उसके कारण जो फेज डिफरेंस होता है दो सोर्सेज का, उस फेज डिफरेंस के कारण बनता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इससे पहले पिछला वाला वीडियो में जो डिस्कशन हमने किया था, उस समय हमने यूज़ किया था मोनोक्रोमैटिक लाइट। पर अगर सोर्स व्हाइट लाइट का हो, यहाँ पर जो सोर्स है ये अगर व्हाइट होता है, तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ता है एक कंपेंसेटर प्लेट कुछ इस तरह का। ऐसा क्यों करना पड़ता है, इसी पे हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो देखिए, जब व्हाइट लाइट है इसका मतलब ये जो सोर्स है, इस सोर्स में तरह तरह के कलर्स हैं, इसमें रेड भी है, इसमें वायलेट भी है, साथ में ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइट का वेव यहाँ से ट्रांसमिटेड होके इस डायरेक्शन में गया M2 के तरफ, अगर उसे आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ से वो इस ग्लास को ट्रैवल करके पार हुआ इतना डिस्टेंस और फिर ये इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर गया। हमें पता है कि ग्लास में जो स्पीड होता है रेड लाइट का और वायलेट लाइट का, वो अलग अलग कलर्स के लिए ये स्पीड अलग अलग होता है। रेड के लिए स्पीड ज़्यादा होता है, वायलेट के लिए स्पीड कम होता है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है लाइट का, उतना उसका स्पीड ग्लास में कम होते जाता है। ग्लास में मुझे नहीं कहना चाहिए, किसी भी मीडियम में एक्सेप्ट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी मीडियम में जो लाइट है उसका स्पीड वैरी करता है। हायर फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनका स्पीड कम होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि रेड हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उनका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके कारण होगा क्या, यहाँ देखिए ये पार हो गया वाइट लाइट, यहाँ से इसमें तो हर तरह का कलर है, रेड भी है वायलेट भी है, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं सिर्फ रेड और वायलेट को कंसीडर कर रहा हूँ। तो इतना सा पाथ ट्रैवल करने के बाद रेड लाइट मान ले कुछ यहाँ अगर पहुँचेगा, तो वायलेट लाइट जो है उससे थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि वायलेट का स्पीड थोड़ा कम होता है, तो ये पिछड़ गया वायलेट लाइट। और जो रे यहाँ से रिफ्रैक्टेड होने के बाद इंटरनली रिफ्लेक्टेड हुआ और फिर इस डायरेक्शन में प्रोपागेट किया, उस वेव को अगर आप देखें तो वो इस मीडियम में जो कि ग्लास का एक स्लैब है, इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, वो यहाँ से यहाँ भी गया और वापस यहाँ भी आया, दो बार ट्रैवल कर रहा। और जब ये M1 में रिफ्लेक्टेड होके वापस आया, फिर से एक बार इतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, फिर ये स्क्रीन के तरफ आगे बढ़ा। तो इस लाइट सोर्स को अगर आप देखें, इस लाइट वेव को अगर आप देखें, तो ये तीन बार इस डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा, एक बार और यहाँ इस डिस्टेंस को दो बार क्रॉस कर रहा, एक जाते समय और एक आते समय, तो तीन बार इतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा। पर इस वेव को अगर आप देखें, इन वेव्स को अगर देखें, तो ये सिर्फ एक ही बार यहाँ इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा और वापस आके रिफ्लेक्टेड होके स्क्रीन की तरफ जा रहा, तो सिर्फ एक ही बार ये इतना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा ग्लास स्लैब में। तो तीन बार चूंकि ये ट्रैवल करेगा, ये वाला वेव जो यहाँ से M1 से रिफ्लेक्टेड होके वापस रिफ्रैक्टेड होके स्क्रीन की तरफ जाएगा, तो यहाँ रेड थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएगा और वायलेट इससे थोड़ा ज़्यादा ही पिछड़ जाएगा। इससे होगा क्या, ये वेव तो वो वाला है जो कि तीन बार इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा, और ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके आएगा और आने के बाद जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा वेव, रेड यहाँ रहेगा और वायलेट इससे थोड़ा ही पीछे रहेगा क्योंकि सिर्फ एक ही बार इसने स्लैब को क्रॉस किया है। तो मान ले ये रेड वेव्स जो है ये सेम फेज में है,
तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा यहाँ पर, मान ले यहाँ पर भी बना रहा है और यहाँ पर भी बना रहा है। सो इस तरह का ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा रेड वेव। और वायलेट यहाँ देखे, ये ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है वायलेट, और ये उतना पिछड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हम मान रहे दो रेड वेव्स का फेज डिफरेंस ज़ीरो है, तो फिर इन वायलेट वेव्स का फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। या फिर कहें 360 का मल्टीपल में होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वायलेट लाइट यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना रहा था, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो इसका कुछ ऐसे। तो इससे होगा क्या, कहीं रेड वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, कहीं और वायलेट वेव बनाएगा, तो कहीं येलो वेव बनाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। इससे होगा क्या, ये जो फ्रिंज है ये फ्रिंज शार्प नहीं दिखेगा, ये बड़ा ही धुंधला सा स्मजी सा दिखेगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए इसका एक ही उपाय है कि चूंकि ये जो वेव है ये 3 बार इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, इस मटेरियल मीडियम का ये वाला डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो इसे भी 3 बार ट्रैवल करवाना होगा। उसके लिए करेंगे क्या, यहां लगा देंगे हम कंपेंसेटर। होगा क्या, जब ये वेव यहां से क्रॉस करेगा, तो एक बार और एक बार इस स्लैब को पार कर लिया, उतना ही डिस्टेंस है जितना कि यहां पर था। मैं थोड़ा डार्क कलर यूज करूं तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस उतना ही है, सेम है। और रिफ्लेक्टेड होने के बाद जब वापस आएगा, तो फिर से एक बार इसी डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर लेगा। तो 3 बार इसने भी ट्रैवल कर लिया, तो जब ये भी 3 बार ट्रैवल कर लेगा, तो वापस जब रिफ्लेक्टेड होके स्क्रीन की तरफ बढ़ेगा, तो फिर अगर ये बना रेड वेव यहाँ पर रहेगा, तो फिर वायलेट वेव उतना ही पीछे रहेगा जितना कि इस केस में है। तो अब अगर यहाँ पर रेड वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, तो यहीं पे वायलेट वेव भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि अगर ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आपको ऐसा दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन जगह पे हो, तो फिर यहाँ वायलेट के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहीं पर होगा, क्योंकि दोनों वेव के लिए रेड का जो फेज डिफरेंस होगा, वायलेट का भी वही फेज डिफरेंस होगा। यही रीजन है कि कंपेंसेटर प्लेट या कंपेंसेशन प्लेट यूज किया जाता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। कब, जब लाइट का सोर्स वाइट हो। मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए कंपेंसेशन प्लेट का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां दो तीन तरह का वेव नहीं है कि हम ये कहें कि भाई वायलेट पिछड़ गया, रेड आगे चला गया, वो तो मोनोक्रोमैटिक है। सो कंपेंसेटर प्लेट या कंपेंसेशन प्लेट जो भी कह लें आप, या कंपेंसेटर, इसे हम तभी यूज़ करते हैं जब सोर्स जो है लाइट का उसमें बहुत सारे कलर्स हों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।